Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में रिलायंस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 10 गीगावाट का एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी का प्लांट लगाने की बोली जीत ली है। ये बोलियां केंद्र सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत मंगवाई थी और इस स्कीम के लिए मोदी सरकार ने 3,620 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया था। इस स्कीम के लिए 7 कंपनियों ने बोलियां लगाई थीं, जिसमें ACME CleanTech Solutions Private Limited, Amraja Advanced Cell Technologies Private Limited, NV Power Industries Limited, JSW New Energy Limited, Lucas TVS Limited, रिलायंस इंडस्ट्रीज और वारी एनर्जीज लिमिटेड शामिल हैं। इसमें से 5 कंपनियों को सरकार ने वेटिंग लिस्ट में डाला है। सरकार ने क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शंस मैकेनिज्म के आधार पर कंपनियों का चयन किया है। इस स्कीम का मकसद भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाना है, साथ 2030 तक भारत की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को 150 गीगावाट प्रति घंटे पर पहुंचाना है। अभी चीन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में चीन का मार्केट शेयर 69% है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का 10%, जर्मनी का 6%, हंगरी और स्वीडन का 2-2% है। इस रेस में भारत अभी काफी पीछे है। भारत भी बैटरी के लिए चीन पर ही निर्भर है। अगर भारत में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा। फिलहाल रिलायंस पर भरोसा जताते हुए सरकार ने 10 गीगावाट कैपेसिटी का प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। ये खबर रिलायंस के निवेशकों के लिए पॉजिटिव है और ये खबर हमने आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बनाई है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें।